नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ राज मेहता जी हैं, जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं। इनसे जानते हैं इनकी क्या सोच है डेरा सच्चा सौदा संस्था को लेकर, वैसे डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह जिनसा को लेकर। राज मेहता जी, आपका द फैक्ट टाइम में स्वागत है। राज मेहता जी, कितने समय से आप डेरा सच्चा सौदा को जानते हो? मैं अबाउट कोई 26-27 साल से यहाँ से जुड़ा हूँ। 94 में मैंने नाम लिया था, 21 जुलाई को। और जब मैं इस दरबार में आया था, मुझे इतनी शराब पीने की लत थी, इतनी शराब पीने की लत थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे घर बार बच्चे मेरे सारे दुखी थे, भाई इसको कैसे सुधारा जाए। सभी से राय ली गई, टोने टोटके सारे करवाए गए, मेरे में कोई सुधार नहीं आया। मुझे धक्के से लाया गया कि आपको नाम नहीं दिलवाएंगे, डेरा सच्चा सौदा में जाओ, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मुझे जब यहाँ पर लाया गया, जब मैं लाया हल्की हल्की बारिश चल रही थी, जब मैंने गुरु जी के दर्शन किए तो मेरे ऊपर ऐसे लगा जैसे किसी ने ठंडे पानी की बाल्टी डाल दी हो। मुझे ऐसा लगा कि भी मतलब आज तक तू नरक में था, स्वर्ग तो आज मिला है। गुरु जी के दर्शन करते ही मेरी वो सारी कमियाँ, शराब वाली, नशे वाली, बीड़ी, सिगरेट, सा मैं सब कुछ, हर नशा करता था मैं, सब मेरी छूट गई। आज इस बात को 26-27 साल हो गए, गुरु के दर्शन पा के मैं और मेरा परिवार, मेरे बच्चे सारे सुखी हैं। हम इस गुरु जी का, पिताजी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। उसके बाद मेरे ख़ानदान में 10, 20 या 30 लोग और थे जो वो भी नशे के आदि थे। मैं सभी को लेके आया एक एक करके, सभी ने जो आज सभी सुखी हैं, सभी अपने परिवार में सारे खुश हैं। जिसके पास कभी साइकिल भी नहीं थी, आज कारों पे सवार हैं वो। क्या सर, आज के समय में आपका क्या कहना है गुरुजी के बारे में? गुरुजी के बारे में ये कहना है, जो इन्होंने किया है बिल्कुल गलत है। 6.5 करोड़ की जनता को छोड़ के एक या दो एक गुनाम चिट्ठी पे इन्होंने उनको सजा कर दी। एक पॉलिटिक्स थी, सिर्फ एक चाल थी सरकार की कि इनको कैसे फंसाया जाए, अदरवाइज यहाँ से कोई चीज़ नहीं मिली। कभी कहते हैं आंखें निकालने वाला बाबा, ये हड्डियों के कंकाल, कहाँ गए वो कंकाल, किधर हैं वो, किसने देखे हैं, कहाँ भी गए, किसी कोई प्रूफ नहीं किसी के पास। सिर्फ और सिर्फ मीडिया बिकाऊ है, जो उनको पैसे देता है, जो उनकी शेयर करता है, उसी के साथ हैं वो किसी के नहीं है। जो आरोप संत जी के ऊपर लगाए जाते बिल्कुल निराधार गलत हैं, कोई भी सच्चाई नहीं है उनमें, किसी प्रकार की कुछ नहीं है उनमें। ये सब उसको फंसाने की साजिश थी भी, ऐसे कैसे डेरे को बंद किया जाए। लेकिन मस्ताना जी के वचन थे, इस दरबार के वचन थे, ना कोई ये सच्चा सौदा किसी स्तंभ पे नहीं खड़ा, एक आकाश की तरह बिना स्तंभ के खड़ा है, ना इसे कोई बंद कर सका, ना कोई बंद कर सकेगा। सारी संगत जितनी पहले आती थी, आज मेरे ख्याल से 4 लोग ज़्यादा आते हैं। पहले जो लोग हमें कहते थे भी अब क्या हुआ, ये कैसे हुआ, आज वो सारे मानते हैं ये तो इन्हें मीडिया ने फंसाया, ये तो सरकार की चाल थी। सारे के सारे बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल सामने आने को तैयार हैं। अगर ये कभी मौका मिले तो हमारे यहाँ आ गए, ज़्यादा नहीं तो 500 लोग मैं आपके सामने खड़े कर दूंगा जो ये कहेंगे भी बिल्कुल गुरु जी को गलत फंसाया गया। सर, समाज के लिए क्या क्या है गुरु जी ने? गुरु जी ने 134 कार्य चलाए हैं, जिनका कोई भी आज तक, ये मैं ये नहीं कहता कि भाई दूसरी संस्थाएं काम नहीं करती, करती हैं, लेकिन इतना काम किसी ने नहीं किया। वैश्याओं को बेटी बना के उनकी मतलब शादी करवाना, फिर किन्नरों को वो दर्जा देना जो उनको कभी नहीं मिला, किसी साधु संत से कभी उनको प्राप्त नहीं हुआ, किसी गवर्नमेंट ने नहीं उनको, गुरुजी ने उनको वो दर्जा भी दिया, सारा कुछ हुआ। आज समाज को बड़ी ज़रूरत है, लोग नशों में इतने तृप्त हैं, जो ठेके बंद होने पर जा रहे थे, जो नशे बंद होने पर जा, आज वो फिर जागृत हो गए हैं दोबारा फिर से उनको वो शय मिलने लगी है, दोबारा उसी लाइन पर आए। दरख्वास्त है मेरी प्रेस वालों से भी, सरकार से भी, गुरु जी को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए, यही मेरी विनती है। समाज डूबने वाला है। समाज के लोगों को क्या संदेश दोगे सर वीडियो से, जिन्होंने मीडिया के द्वारा गुरु जी को देखा है? उन्होंने, वो लोग कहते हैं जिन्होंने कभी डेरे में आए ही नहीं, वो लोग कहते थे, आज जब वो लोग देखते हैं सरकार के कारनामे, आज वही लोग जो पहले ये कह रहे थे भाई गुरु जी ने शायद ऐसा किया हो, आज वो कहते नहीं बिल्कुल संत जी को फंसाया गया है, कोई उनका दोष नहीं है, कुछ नहीं किया उन्होंने, सच्चे कर्म करने वाला। आज तक किसी भी, हर संस्थाएं कभी ना कभी किसी की पर्ची काट दी, हमारे सच्चा सौदा कभी किसी के आगे नहीं गया, और इतने काम कर रहे हैं, इतने काम कर रहे हैं घरों में। खुद अगर हम लोग यहाँ 4 दिन लगा के जाते हैं तो घर में 40 दिन का काम हुआ मिलता है पहले से, जो हम 2 महीने में ही शायद ना कर पाते, इतना काम करा हुआ मिलता है हमारे को। इसलिए समाज को भी ये संदेश देते हैं कि वो सभी साधु संत भाइयों से, दूसरों को भी संदेश, हमारा साथ दें गुरु जी को बाहर आने की
मतलब अनुमति दे। सरकार से भी अनुरोध है भी गुरुजी को बाहर निकालें और समाज का भला इसी में, समाज जब भी बच सकता है जब गुरुजी बाहर आए। जहां 6.5 करोड़ लोग नशा करने वाले बिल्कुल हाथ खड़े करके कि हम लोग नहीं करेंगे, जिसका सबूत बाबा जी ने आपके सामने अभी दिया था, मां जी ने, मैं खड़ा हूँ राज मेहता, मैंने भी आपको कहा कि मैं 2.5-3 बोतल शराब की डेली पीता था, यहाँ आके हमने ये नहीं देखा भी ठेका है कहाँ, आज इस बात को 30 साल हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद राज मेहता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों लगातार जो सैन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा की रिहाई की मांग बढ़ती जा रही है, लोगों का कहना है कि झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, आखिर सच क्या है? वो चंद लोग जाए करोड़ों लोग जो चीख चीख के अपनी सच्चाई डेरा सच्चा सौदा के बारे में, गुरु जी के बारे में लोगों के सामने रख रहे हैं। खुले दिमाग से जरूर सोचिएगा दोस्तों और सच का साथ जरूर दीजिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।